كائنا حيا نرى، لم نزد إلا يقينا بالإله، لم نزد إلا يقينا بالإله. कहते जी कि ऐने अरब सर पे जो वो ये एकाल पहनते हैं, कोई बिदत नहीं, एक रिवाज है हर मुल्क का। कोई अजरक पहनता है, कोई चादर पहनता है, कोई लोई पहनता है, कोई टोपी पहनती है, रिवाज है। इसका क्या ताल्लुक है बिदत से? बिदत तो वो होती है जो दीन में नई बात बनाई जाए। मैं पाकिस्तान में ईशा से पहले दरस कुरान पढ़ता हूँ, अल्लाह तौफीक दे, इस्तकामत दे। मौलाना मौदूदी साहब की तफसीर जो है उनमें बात गलतियाँ हैं, लेकिन ये तो नहीं कि सारी गलत है। बात गलतियाँ उनसे हुई हैं, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत करे, उनकी माफ़ कर दे गलतियाँ। अगर नमाज जमात में इमाम से पहले सलाम फेर लें, नमाज नहीं होती, दोबारा पढ़े। मैयत को 40 कदम, ये बिदत है, लोगों ने घड़ी हुई है। शैतानी वसाविस बहुत आते हैं, लाहौल पढ़ा करें। बदनजरी बहुत होती है तो लाहौल पढ़ा करें। मुझे, मैं बीवी को 3 तलाक दिया, रुजू नहीं कर सकता जब तक कि वो हलाला ना हो। हजर अस्वद को चूम सकते हैं और काबे को किसी जगह नहीं चूम सकते। कहते हैं कि हाँ, लोग खाने की चीज़ें तकसीम करते हैं, गरीब हो तो ले लिया करो, अमीर हो तो न लिया करो। कहते जी कि मियाँ बीवी अगर दोनों रोज़े में हों तो रोज़े से अगर वह बस्तरी कर लें तो इफ्तार हो जाए। रोज़ा ही बात फासिद हो गया, इफ्तार क्या हो गया?